आईपीएल का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स का कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल को बैटिंग करने का न्योता दिया। दिल्ली कैपिटल ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 174 रन का टारगेट बनाया। इस टारगेट को बनाने में साई होप की सबसे बड़ी भूमिका रही। साई होप ने 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके साथ ही अभिषेक पुरेल ने दिल्ली कैपिटल की पारी को बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त किया और 10 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 174 रन का टारगेट खड़ा किया। पंजाब किंग्स की ओर से हरदीप सिंह और हर्षद पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। दूसरी पारी में पंजाब किंग्स को जीतने के लिए 175 रन की जरूरत थी। पंजाब किंग्स की ओर से सेम करण ने सबसे बड़ी पारी खेली। सेम करण ने 1 छक्के और 6 चौके की मदद से 63 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और इसके साथ ही लिविंगस्टन ने 38 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। तो इन दोनों की पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने यह मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। पंजाब किंग्स को जीत दिलाने में सेम करण की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके लिए सेम करण को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप आईपीएल के सभी मैचों के हाईलाइट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको मैच होते ही उसकी डिटेल सबसे पहले मिल जाएगी।